कुर्बानी का जानवर आप खरीद आए लेकिन वो ईद के दिन आने से पहले पहले मर गया या भाग गया, अब ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। या तो कोई चोरी करके ले गया, आपने बांधा रात को चोरी कर गया, आप ले आए लेकिन उसकी डेथ हो गई है या वो भाग गया है। तो कुर्बानी का जानवर अगर मर गया या भाग गया तो मालिक के निसाब पर दूसरा जानवर लेना जरूरी है, जो साहिब निसाब है बंदा, खरीदने की ताकत रखता है तो वो दूसरा जानवर खरीदेगा, और जो मालिक निसाब नहीं है तो उस पर फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नहीं, एक पैसे थे उसके पास, वो खरीद आया, अब और इतने नहीं है कि अगर वो मर गया या भाग गया तो साहिब निसाब नहीं है, पैसे थोड़े बच गए, तो अब उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि वो खरीदे। इसी तरह अगर एक बंदे के पास पैसे कम थे, साहिब निसाब नहीं था, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने कुर्बानी करनी है, अगर किसी ने अपने ऊपर लाजम कर लिया मैंने बस पैसे जिधर से भी उसने उधार ले लिए या पैसे साहिब निसाब नहीं था थोड़े थे उसने कहा फिर भी ले लूं, अगर ऐसे बंदे जिसको फकीर कहा जाता है शरीयत में, तो फकीर कहा जाएगा जो साहिब निसाब नहीं है, अपने ऊपर लाजम कर ली कुर्बानी, बस मैंने करनी ही करनी है, अगर वो खरीद आया जानवर उसका जानवर मर गया या भाग गया तो इसके ऊपर लाजिम है कि वे दूसरा भी खरीदे। जो साहिब निसाब था उसका जानवर मर गया या भाग गया उस पर शरीयत ने कहा इस पर लाजिम नहीं है, लेकिन जो फकीर है जिसने अपने ऊपर लाजम कर लिया कि बस मैंने करनी ही करनी है, इस पर शरीयत ने लाजम कर दिया क्या? अगर पहला तू उधार लेके खरीद के आया, जब शरीयत ने मना किया था तेरे ऊपर नहीं है तो क्यों की है? अगर ले बैठा है, अब जानवर भाग गया इससे पहले या मर गया, अब दूसरा ले, इसके ऊपर लाजिम है ताकि इसको सबक मिले कि अपने ऊपर जो चीजें लाजिम नहीं थी उनको तूने खुद पे लाजिम क्यों किया है।